NTAUGCNET yani Imaginet. सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। India's number one study app, NTAUGCNET yani Imaginet, for study notes or videos, old paper with answer key, online mock test for paper first and second, new updated syllabus for paper first and second, download it on Google Play Store. हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमे है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इमेजिनेट पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में। दोस्तों इसमें से आज तक बहुत से क्वेश्चन आए हैं और दिसंबर 2019 का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी बहुत क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ये जो टॉपिक है हमारा बहुत रिपीटेड टॉपिक है दोस्तों, इसके बारे में आपको पूरा अच्छे से बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने टाइप ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में पहले वीडियो बना रखी है, उसके अंदर हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कितने तरह के इवैल्यूएशन सिस्टम है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, तो उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख लीजिए। और दोस्तों अगर आप ये नोट्स लेना चाहें, यहाँ पे हमने पूरा स्टडी नोट्स बना रखा है टीचिंग एप्टीट्यूड का, सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स बना रखे हैं और इसके साथ साथ हमने 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन अलग करके हैं। जैसे कि आज तक रिसर्च के जो भी क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग करके हैं, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है। इस तरीके से आप दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई चाहे ये पीडीएफ लेना, ये नोट्स लेना, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में टाइप ऑफ इवैल्यूएशन में से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सितंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन में अनुदेश के समय शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए अधिगम प्रक्रियाओं का आंकलन किया जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप इंग्लिश में और हिंदी में दोनों पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हमने ये हिंदी में दिया हुआ है और यहाँ पे नीचे देखिए ये यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आप इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो ये पढ़ लीजिए। इसको हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है और किस तरह से इसका आंसर आएगा। देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा है कि किस प्रकार के मूल्यांकन में अनुदेशन के समय शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए अधिगम प्रक्रिया का आंकलन किया जाता है। यानी कि ऐसी इवैल्यूएशन सिस्टम जिसके अंदर जो शिक्षक है विद्यार्थी है दोनों एक दूसरे से अच्छे से फीडबैक देते हैं और अच्छे से अधिगम करते हैं, तो उसको किस तरह का मूल्यांकन कहा जाएगा। तो उसको दोस्तों निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहा जाएगा। अब देखिए दोस्तों फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है कि हम टीचिंग के साथ साथ सारी चीज़ें देखते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, क्या सीखा है, बच्चे से हम फीडबैक लेते हैं कि हमने आपको किस तरह से पढ़ाया, अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए, इस तरह से उनका फीडबैक हम लेते रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। और दोस्तों मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि हमने इन पे बहुत अच्छे से डिटेल में वीडियो बना रखी है, ये देखिए आप ये देख सकते हैं, डिटेल में हमने नोट्स बना रखे हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, आप चाहे तो ये नोट्स ले सकते हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों इवैल्यूएशन सिस्टम में से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए। ये देखिए ये जून 2014 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 54 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये दिया इन्होंने, मूल्यांकन के उस वर्ग की पहचान कीजिए जो विद्यार्थियों के शिक्षा काल के दौरान उनके सीखने की गति प्रगति को जांचने के लिए निरंतर फीडबैक देता है। अब देखिए दोस्तों ये अभी हम करके आए हैं जहाँ पे फीडबैक की बात हो रही थी पीछे का जो हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है, और इसमें भी ये फीडबैक की बात कर रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा और हिंदी में बात करें तो इसे रचनात्मक मूल्यांकन। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करनी होगी कि इंग्लिश में जो नाम है वो सेम रहता है लेकिन हिंदी के अंदर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए इसका हम इंग्लिश में देखते हैं यही क्वेश्चन ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए ये हमारा ये देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो इंग्लिश में नाम है वो बिल्कुल सेम है लेकिन हिंदी के अंदर पहले क्या था, पहले था निर्माणात्मक मूल्यांकन लेकिन यहाँ पे अब क्या दे दिया इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने अब नाम दे दिया है, ये देखिए
यहाँ पे इन्होंने रचनात्मक मूल्यांकन दे दिया है। तो रचनात्मक मूल्यांकन और निर्माणात्मक मूल्यांकन दोनों एक चीज है और इंग्लिश में इसे फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बार बार एक बात कहता हूँ कि आपको हिंदी और इंग्लिश बेसिक नॉलेज होना जरूरी है अगर आपको नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुआ है और आप खुद देखना दोस्तों इनमें से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और ये जो टॉपिक है हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा कि दिसंबर 2019 में, जून 2019 में किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए। अब ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, अगस्त 2016 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 57, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। अब रचनात्मक मूल्यांकन अभी हम करके आए हैं, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन करके आए हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, इन्होंने आंसर नंबर 2 दिया है, छात्रों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना, यानी कि छात्र जो भी सीख रहे हैं उनकी जो गति है उनको और फास्ट करना और उनमें सुधार करना, मेन मकसद इसका ये होता है कि उसके अंदर सुधार करना, निष्पादन, निष्पादन का मतलब ये होता है उसके अंदर सुधार करना, तवरण, तवरण का मतलब उसमें गति लाना, उसके सुधार में गति लेके आना। और यहाँ पे अगर इंग्लिश में देखना चाहे तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लेना जिनको इंग्लिश में समझ में आए, ठीक है। और आगे हम देखते हैं आगे यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है। और देखिए दोस्तों आप खुद देख लीजिए, आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन से 3 बार अभी तक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और आगे हम देखते हैं कि आगे इवेल्युएशन सिस्टम में से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब ये देखिए, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रियाओं में उनकी पहचान कीजिए जिनको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। अब निर्माणात्मक मूल्यांकन अभी मैंने आपको बताया वही है, रचनात्मक मूल्यांकन और निर्माणात्मक मूल्यांकन एक ही चीज़ है। और इंग्लिश में मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, ये देखिए, ठीक है। अब देख लीजिए आपके सामने चौथी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कंटिन्यूसली चौथी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है उसमें कौन कौन से पॉइंट शामिल किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर है, अब देखिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, आंसर नंबर 4 है, 4BDF। तो ये तीनों ऑप्शन हम देखते हैं, BDF क्या कहता है, यहाँ पे बी है, शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। अब देखिए दोस्तों कितना आसान है यार ये, कि प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि फीडबैक की बात कर रहे हैं दोस्तों, आप ध्यान से देखो इसको और कितना आसान है हमारे लिए करना। फीडबैक हम पढ़ते आ रहे हैं कि निर्माणात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के अंदर हम फीडबैक लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप ओल्ड पेपर कीजिए, आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं रिसर्च के, कम्युनिकेशन के, उनको अच्छे से देखिए कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और उनके अंदर, उन क्वेश्चन के अंदर ऐसी कौन सी बात है जो कॉमन है, ठीक है। उनसे आप बिल्कुल आसानी से नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, अब आप खुद देख लीजिए, ठीक है। और अगला हम देखते दोस्तों, अगला इसमें ऑप्शन था हमारा BDF, अब डी देखते हैं, डी, शिक्षक कक्षा में छात्रों के संदेह को स्पष्ट करता है, ये बात बिल्कुल सही है। और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन में आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, उसके अंदर हम कंटिन्यूसली स्टूडेंट से फीडबैक लेते रहते हैं, उसकी जो भी परेशानी होती है उनको दूर करते रहते हैं, ठीक है, ये होता है इसके अंदर। तो इन्होंने कहा है कि शिक्षक कक्षा में ही छात्रों के संदेह को स्पष्ट करता है, ये बिल्कुल सही बात है। आगे हम बात करते हैं एफ, शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। इसका मतलब ये है कि जो टीचर है वो प्रश्न करता है, उत्तर देता है, जवाब प्रश्न, इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि जो शिक्षक है वो प्रश्न उत्तर करता है, एक इंटरेक्शन करता है, इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट है उनके पढ़ने में इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीजें इसके अंदर होती है। तो आप देख लीजिए कितना आसान है हमारे लिए करना क्वेश्चन, तो आप देख लीजिए दोस्तों कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे सामने और हम बिल्कुल आसानी से नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ये जून 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, 20 जून का, इसके अंदर ये देखिए इन्होंने फिर से निर्माणात्मक मूल्यांकन की बात कही है, ये 5वीं बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। इसके अंदर ये देखिए आंसर इन्होंने डी दिया है, मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। अब देखिए दोस्तों आप खुद देखिए कितना आसान ये
है हमारे लिए। और आगे हम देखते हैं आगे किस तरह से रिपीट हुआ है। आगे ये देखिए, आगे हमारा ये क्वेश्चन पेपर मैं देख लेता हूँ, जून 2020 का ही पेपर है ये क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी ये देखिए 20 जून इवनिंग शिफ्ट का पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों एवं कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों नैदानिक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन जो होता है उसके अंदर। दोस्तों इसके अंदर हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक, जैसे नाम से पता चल रहा है कि उसका उपचार किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट की कोई परेशानी है, कोई सवाल नहीं आ रहा, कुछ कठिनाई है, तो उसका समाधान किया जाता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, नैदानिक मूल्यांकन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 6 तरह के मूल्यांकन प्रणाली है, इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। और दोस्तों अगर आप ये नोट्स अच्छे से देखते हैं, वीडियो अच्छे से देखते हैं, तो मैं बिल्कुल श्योर कहता हूँ कि आपका नेट और JRF क्वालिफाई बिल्कुल आसानी से हो सकता है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि आगे किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इसी के अंदर। अब ये देखिए दोस्तों, ये 21 जून 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा रिपीट हो गया, डिट्टो कॉपी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है, क्या होता है, ये देखिए आंसर नंबर बी दिया इन्होंने, अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारण और उनका समाधान, ठीक है। बिल्कुल आसान दोस्तों, बिल्कुल डिट्टो कॉपी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया। और हमने ऊपर पढ़ा था ये 20 जून के अंदर आया था और यहाँ पे फिर इन्होंने 21 जून के अंदर पूछ लिया। तो आप देख लीजिए दोस्तों, और जो दोस्त ये कहते हैं ना कि UGC के अंदर अब क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, पहले होते थे, आप खुद देख लीजिए 2013 से लेके और जून 2019 तक रिपीट हो रहे हैं। और अभी तो मैं आपको आगे भी दिखाने वाला हूं कि यही क्वेश्चन दिसंबर 2019 में किस तरह से रिपीट हुए हैं। तो आप देखते जाइए ये वीडियो, आप पूरा देखना, ध्यान से देखना दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। अब देखिए आगे ये हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया, ये क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, 21 जून इवनिंग शिफ्ट का पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन्होंने कहा है कि नीचे किसी अध्यापक द्वारा निष्पादित कार्यकलाप की सूची दी गई है, ठीक है। कौन से कार्यकलाप निर्माणात्मक मूल्यांकन की प्रकृति के है, निर्माणात्मक यानी कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की प्रकृति के, वो हमें बताना है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हम पढ़ के आए हैं, जो 4 बार 5 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है वही ये क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए आंसर इन्होंने सी दिया है, सी के अंदर है 2, 4, 5। तो इन सभी ऑप्शन पे हम डिस्कस करते हैं, 2, 4, 5 पे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे 2, ये देखिए क्विज 70 का आयोजन किया जाता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अभी हमने पढ़ा था ना कि प्रश्नोत्तरी करते हैं उसके अंदर, ठीक है, ये वो चीज है। 2 और फिर है 4, शिक्षा में प्रतिपुष्टि देना। अब देखिए दोस्तों कितना आसान है यार, कितना आसान है, प्रतिपुष्टि फीडबैक की बात चल रही है यहाँ पे, और फीडबैक का जो ऑप्शन है ये हम पहली बार यहाँ पे देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको फीडबैक दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है, वो किस तरह का इवेल्युएशन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करो यार, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ और बहुत अच्छी नॉलेज लेके आता हूँ आप सभी के लिए। तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और आप सभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो किस तरह की लग रही है, क्या हमें आगे इस तरह की वीडियोज बनानी चाहिए सभी टॉपिक के ऊपर। और दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि आगे जो ऑप्शन है, आगे ऑप्शन दिया था इन्होंने 5, विद्यार्थियों के चिंतन को बढ़ावा देना। ये बात भी हमने पढ़ी है कि जो विद्यार्थी है उनके अंदर वो अधिगम में त्वरण लाना, इस तरह का हमने कुछ पढ़ा था। तो उसके अंदर क्या होता है कि चिंतन यानी कि उनके सोचने की जो शक्ति है उसको बढ़ावा देते हैं हम निर्माणात्मक मूल्यांकन के जरिए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों बिल्कुल आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। और आगे देखते दोस्तों आगे ये क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है, आगे काफी रिपीट हुआ है दोस्तों, ये दिसंबर 2019 में भी रिपीट हुआ है। अभी हम दिसंबर का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, इससे पहले ये देखिए ये 26 जून 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इसके अंदर ये देखिए, निम्नलिखित में से परीक्षण के किस प्रकार में से एक विद्यार्थी के दूसरे
विद्यार्थी के कार्य निष्पादन के साथ परस्पर तुलना की जाती है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि कंपटीशन किया जाता है बच्चों के अंदर, ठीक है भाई, के देखते हैं किसके कितने ज्यादा मार्क्स आएंगे, कंपटीशन किया जाता है। तो उस दौरान किस तरह का मूल्यांकन होता है वो हमें बताना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, आंसर इसका डी है, मानव संदर्भित परीक्षण इसे कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों, ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। इसको इंग्लिश में दोस्तों नॉन रेफरेंस इवेल्युएशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये देखिए, सेवन पे जो है ना, ये इसे कहते हैं नॉन रेफरेंस इवेल्युएशन कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हमें इंग्लिश हिंदी में पता होना चाहिए, हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और अगर आप नोट्स लेते हैं तो इसके अंदर हमने इंग्लिश हिंदी में दिया हुआ, देखिए जैसे सुमेटिव इवेल्युएशन को हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये दोनों चीज हमने यहाँ पे दी हुई है। बिल्कुल आसान भाषा में हमने नोट्स बनाए हुए हैं दोस्तों। और अगर आप चाहें तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर दोस्तों हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवा रहे हैं। जिस भी दोस्तों को हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है जल्दी से जल्दी हमें व्हाट्सअप नंबर मैसेज कीजिए। और आगे हम देखते हैं दोस्तों यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है। आगे ये देखिए, ये आ गया हमारा 2 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है दोस्तों, ठीक है। और इसके अंदर ये देखिए सभी जो मूल्यांकन होते हैं वो सभी इन्होंने पूछ लिए। ये देखिए निर्माणात्मक मूल्यांकन आगे आ गया, मानव संदर्भित मूल्यांकन जो अभी हम करके आए हैं, ठीक है, ये सभी मूल्यांकन यहाँ पे पूछ लिए हैं। और अब हमें क्या करना है, अब हमें मैच करना है। अब देखिए मैच इन्होंने आंसर ए दिया है, ए में देखते हैं हम यहाँ पे। अब ये देखिए दोस्तों, ये सभी के सभी मूल्यांकन हम पीछे करके आए हैं, ठीक है। तो वही चीजें हैं इसके अंदर, आप करके देखना, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। और दोस्तों ये क्वेश्चन आप करके देखना, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और आगे मैं और भी दिखाता हूँ यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है हमारा, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, ये 3 दिसंबर 2019 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से किस आंकलन प्रणाली में अंतर्भूत प्रेरणा को बढ़ाने हेतु इष्टतम संभावना है, ठीक है। और इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है ए। ए का क्या है, रचनात्मक आंकलन आधारित मूल्यांकन। रचनात्मक कौन सा है दोस्तों, रचनात्मक है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों नाम पता होना चाहिए, ये वो है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह से रिपीट हुआ है, ये देखिए। अब आगे देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है, ये देखिए। ये 4 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है। और इसका आंसर देखिए दोस्तों, आंसर नंबर 2 सुमेटिव इवेल्युएशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये आप पढ़ना, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों यही क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हुआ है, ये देखिए 5 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। अब ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, एक महाविद्यालय का शिक्षक अभिप्रेरक प्रतिभागी की गति को बढ़ाने देने के लिए प्रश्न पहली सत्र को अपनाता है, यह मूल्यांकन के किस प्रकार के रूप में लिया जाएगा। अब ये देखिए आंसर नंबर 3 निर्माणात्मक मूल्यांकन। अब आप खुद बताइए दोस्तों कितना आसान है, कितना आसान है और कितना कितने डिट्टो कॉपी क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूजीसी नेट के अंदर, आप खुद देख लीजिए। मैं आपको कोई हवा हवाई बात नहीं कर रहा, कोई ऐसे नहीं बता रहा, जो कुछ है आपके प्रूफ के सामने है, आपकी आंखों के सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हमारे जो पढ़ाने का तरीका है दोस्तों, यही हमारा तरीका है। आप जो हमारी ओल्ड वीडियोज है वो देखना, हमने रिसर्च के अंदर भी बताया हुआ है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट जरूर करना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल निमिजनेट प्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाना ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।
दोस्तों, अगर आपको जून 2020 एग्ज़ाम के अंदर नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों हम आपको बहुत अच्छे से स्टडी करवा रहे हैं। इसमें आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे और टॉपिक वाइज क्वेश्चन अलग किए हुए मिलेंगे। जैसे कि आज तक जो भी रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो अलग है, टीचिंग के अलग है, सभी यूनिट के अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।